सूरन यानी कि जिमीकंद खाना लोग इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि इसे खाने पर जीभ में खुजली होने लगती है। तो आज मैं आपको इसे बॉईल करने का सही तरीका बताने वाली हूँ जिससे इसे खाने पर खुजली नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और आपका अपने चैनल एनीबॉडी कैन कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूरन यानी कि जिमीकंद का अचार, वो भी पारंपरिक तरीके से। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इतना टेस्टी अचार बनकर तैयार होगा कि बड़े तो क्या, बच्चे भी मांग कर खाएंगे और पड़ोसी तो आपसे इसकी रेसिपी भी पूछेंगे। सच में बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनकर तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सूरन का अचार बनाने के लिए मैंने 1 kg सूरन लिया है। ये जमीन के अंदर ग्रो होता है तो इसमें काफी मिट्टी लगी होती है, तो मैंने इसे 2 से 3 बार साफ पानी से वॉश कर लिया है। अब हमें इसके टुकड़े कर लेना है। तो ये जो मेरे पास छोटा वाला सूरन है इसके मैं 2 टुकड़े कर रही हूँ, और ये जो बड़े साइज का सूरन है इसके मैं 7 से 8 पीसेस कर लूंगी। हमें सारे पीसेस का साइज लगभग एक समान रखना है। सूरन को कट करते समय हाथों में मस्टर्ड ऑयल अप्लाई कर लेंगे तो हाथों में खुजली नहीं होगी। और ये जो इस तरह के छोटे जिमीकंद की गांठें लगी होती हैं, इनको निकाल लें और इनको आप गमले में या जमीन में मिट्टी में गड़ा देंगे। इससे बहुत बड़ा सूरन उग जाएगा। अब हमें सूरन को कैसे बॉईल करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैंने लिए हैं अमरूद के पत्ते। अमरूद के पत्ते इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। पत्तों को एक एक करके तोड़ लेना है और इसमें जो खराब पत्ते या दाग वाले पत्ते हैं इनको अलग कर देना है। हमें इतने पत्ते लेना है जितने में प्रेशर कुकर में मोटी परत लग जाए। पत्तों में काफी डस्ट लगी हुई है तो मैंने इनको 3 से 4 बार क्लीन वाटर से वॉश कर लिया है। अब प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें सारे पत्ते डालकर इसकी मोटी लेयर बना लेंगे, यानी कि आधा कुकर पत्तों से कवर हो जाना चाहिए। अब इसमें आधा ग्लास क्लीन वाटर ऐड करेंगे। अब पत्तों के ऊपर सूरन के पीसेस रखेंगे, सभी पीसेस को अरेंज कर देंगे। अब प्रेशर कुकर का लिड सेट करेंगे और इसमें 2 से 3 विसल आने तक सूरन को कुक कर लेना है। ये सूरन के साइज पर भी डिपेंड करेगा कि आपको 2 विसल लेना है या 3। मेरी जिमीकंद का साइज मीडियम है तो मैं इसमें 2 विसल के बाद गैस ऑफ कर दूंगी। अब प्रेशर कुकर को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। प्रेशर कुकर जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो सूरन निकालेंगे। आपने देखा होगा कि सूरन को खाने पर जीभ में खुजली होने लगती है, जिसके कारण कई लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अमरूद के पत्तों में पकाने पर इसका अवगुण रिमूव हो जाता है। अब इनका छिलका निकाल देंगे, ये आसानी से निकल जाएंगे। और यही तरीका होता है सूरन को पकाने का। मैंने मेरी माँ से सीखा है और मेरी माँ ने दादी माँ से। मेरी दादी सूरन की बहुत सारी डिशेज बनाती थी और तो और वो सूरन को 6 से 8 महीने तक स्टोर भी करती थी। अब हम सूरन के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे अचार के हिसाब से। हमने सूरन को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं किया है, ये इतना पका होना चाहिए कि मैशी ना हो। बराबर पीसेस करेंगे। मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ, इससे अचार वेस्ट नहीं होता है। अब कॉटन के कपड़े के ऊपर सूरन के पीसेस को फैला देना है इस तरह से, और इनको 3 से 4 घंटे धूप में रखना है ताकि इसका एक्सेस वाटर निकल जाए। जब तक हम अचार का मसाला बनाकर तैयार करेंगे, इसके लिए कढ़ाई या पैन में 1 टीस्पून ग्राम में 5 ग्राम मेथी के दाने लेंगे। फ्लेम लो रखेंगे और मेथी को लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। ध्यान रखें कि मेथी का कलर चेंज ना होने पाए, यानी कि इसे ज्यादा रोस्ट ना करें, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। मेथी के दाने जब रोस्ट हो जाएं तो इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में 1 टीस्पून 2 ग्राम साबुत काली मिर्च लेंगे और इसे भी धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे लगभग 1 मिनट तक। हमें सारे मसाले को अलग अलग ही ड्राई रोस्ट करना है क्योंकि सभी मसालों का कुकिंग टाइम अलग अलग होता है। जैसे कि मेथी में कम टाइम लगता है रोस्ट होने में और काली मिर्च में ज्यादा। अगर आप सारे मसाले एक साथ रोस्ट करेंगे तो कुछ मसाले कच्चे रह जाएंगे और कुछ जल जाएंगे। काली मिर्च को भी मेथी के साथ ही रखेंगे। अब पैन में 2 टीस्पून ग्राम में 10 ग्राम मोटी वाली सौंफ लेंगे। सौंफ को भी धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे कि सौंफ बहुत ही जल्दी जलने लगती है तो इसे चलाते जाना है। सौंफ भी रोस्ट हो गई है, इसमें से खुशबू भी आने लगी है। इसे भी प्लेट में एक तरफ रखेंगे।
अब इसी पैन में 5 टेबल स्पून ग्राम में 50 ग्राम राई दाल यानी कि बिना छिलका वाली राई डालेंगे। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसे धीमी आंच पर लगभग 20 से 30 सेकंड तक ही रोस्ट करना है ताकि राई दाल का मॉइस्चर निकल जाए। अगर आप कम मसाले खाना पसंद करते हैं तो आप राई दाल को 3 से 4 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। राई दाल को अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब जार में सबसे पहले हम मेथी और काली मिर्च के दाने डालेंगे और जार का ढक्कन लगाकर इनका एकदम फाइन पाउडर पीस कर तैयार करेंगे। अगर मेथी और काली मिर्च को हम दरदरा पीसेंगे तो ये व्हाइट करते समय कड़वे और तीखे लग सकते हैं, इसलिए हम इनको एकदम फाइन पीसेंगे। चेक करेंगे, परफेक्ट, एकदम महीन पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सौंफ यानी कि कैनल सीड्स, और अब सौंफ को हमें कॉर्सली ग्राइंड करना है, इसे बहुत बारीक नहीं पीसना है। अचार में सौंफ का फ्लेवर बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इससे अचार का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। ये देखिए सौंफ इतनी दरदरी यानी कि कॉर्सली होनी चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे राई दाल यानी कि येलो मस्टर्ड, इसे केवल एक ही राउंड पीसना है। मेरी मिक्सी फास्ट है तो मैं इसे केवल एक ही राउंड पीस रही हूँ। चेक करेंगे, मसाले को प्लेट में निकाल लेंगे और फिलहाल के लिए इसे एक तरफ रखेंगे। अब कढ़ाई में 250 ml मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल लेंगे और सरसों के तेल को धुआं निकलने तक गर्म करेंगे। अचार के लिए मस्टर्ड ऑयल का ही यूज किया जाता है और मस्टर्ड ऑयल में तीखापन होता है, जिसे रिमूव करने के लिए इसे स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करना जरूरी होता है। सरसों के तेल में से जब इस तरह से धुआं निकलने लगे तो फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, बिकॉज अगर आप इतने गर्म तेल में मसाले ऐड करेंगे तो मसाले जल जाएंगे। इसे हमें लगभग 5 मिनट तक ठंडा करना है। 5 मिनट के बाद आप चेक करेंगे तो धुआं निकलना बंद हो गया है और ऑयल भी हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हींग, और हींग डालने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑयल हमारा कितना गर्म है। 1 टीस्पून ग्राम में 3 ग्राम कलौंजी ऐड करेंगे, जिसे काला जीरा या अनियन सीड्स भी कहा जाता है। ऑयल ज्यादा गर्म होगा तो मसाले जल जाएंगे, तो हमें ऑयल को हल्का सा गुनगुना ही लेना है। अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून ग्राम में 3 ग्राम हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून ग्राम में 15 ग्राम रेड चिली पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा ले सकते हैं। अब हमने जो मसाले पीस कर रखे थे वो भी ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून ग्राम में 50 ग्राम सॉल्ट ऐड करेंगे और मसालों को एक बार मिक्स कर लेंगे, जिसमें मसाले जले नहीं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी गैस ऑफ है, ऑयल हल्का सा गर्म है, जिसमें ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब इसमें 4 टेबल स्पून ग्राम में 40 ग्राम मैंगो पाउडर ऐड करेंगे। सूरन के अचार में मैंगो पाउडर ऐड करना कंपलसरी है, क्योंकि सूरन में सेल्फ की खटास नहीं होती है, तो इसमें अचार वाला फ्लेवर लाने के लिए इसे ऐड करना जरूरी है। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद इसे हम एक तरफ रखेंगे ठंडा होने के लिए। 3 घंटे के बाद सूरन से सारा एक्सेस बटर ड्राई हो गया है। अब ये तैयार है फ्राई होने के लिए। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, तेल मीडियम गरम होना चाहिए। इसमें हम सूरन के पीसेस डालेंगे जितने कढ़ाई में आसानी से आ जाएं। इतने सूरन को हम 3 बैचेस में फ्राई करेंगे। आंच बिल्कुल धीमी रखना है और सूरन को पलटते जाएंगे हल्का गोल्डन कलर होने तक डीप फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर सोयाबीन ऑयल का यूज किया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। आप इनको मस्टर्ड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं और फिर बचे ऑयल में अचार का मसाला प्रिपेयर कर सकते हैं। सूरन गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, इनको प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के बचे जिमीकंद को भी सेम प्रोसेस से डीप फ्राई करेंगे। हमारे सूरन भी डीप फ्राई हो गए हैं और मसाला भी ठंडा हो गया है। इसमें सारे पीसेस ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें सबसे लास्ट में ऐड करेंगे ऐसा इंग्रेडिएंट्स जिससे अचार का फ्लेवर और बढ़ जाएगा, व्हाइट विनेगर। 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर ऐड करेंगे। इसकी जगह आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इससे अचार का खट्टापन तो बढ़ेगा ही, साथ में सूरन में जो खुजली वाला नेचर होता है वो भी रिमूव हो जाएगा। अचार को स्टोर करने से पहले जार को गुनगुने पानी से क्लीन करने के बाद इसे धूप दिखाना जरूरी है ताकि अचार खराब ना हो। और कभी भी अचार को साफ और ड्राई स्पून से ही निकालें, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अचार को इस तरह से स्पून से दबा दबा कर भरेंगे तो ऑयल ऊपर आ जाएगा और हमें इसमें अलग से ऑयल ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। 6 से 7 दिन के बाद अचार और दब जाएगा और तेल
और ज्यादा ऊपर तक आ जाएगा। 3 से 4 दिन के बाद सूरन में मसाले एब्जॉर्ब हो जाएंगे और अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तैयार है पारंपरिक तरीके से सूरन का अचार। इसे आप जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि कैसा बना आपका अचार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।